डंबल तो इतना ज्यादा यहाँ पे है कि मैं कहता हूँ इतना बंदा नहीं होगा जितना डंबल है, देखें तो सही। मेरे पीछे जो है लीमू का पेड़ लगा हुआ है, एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको जो ये सारे दरख्त वगैरह भी मिल रहे हैं। लीमू का पेड़ से आप लीमू फ्रेश तोड़ो, अगर आपका बीपी लो हो रहा है लीमू पानी बनाओ और पी लो। ये जी चेंजिंग रूम, शॉवर्स और VIP सेटअप है भाईजान इनका, ये पूरा इनका लेडीज सेक्शन है। अच्छा चांडियो भाई, आज कौन से जिम लेके जा रहे हैं हमें? अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग जा रहे हैं जी टैंक चौक से चेक पोस्ट 2 की तरफ जाएं, तो वहाँ पे एक जिम बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा ओपन एयर जिम है, बड़ी लाइवली सी उसकी फील है। जब मैं पहली दफा उस जिम में गया था ना, तो मैंने उसकी लाइटनिंग देखी, मैंने उनकी मशीनों के कलर देखे, मुझे तो पहली वाइब जो उसमें से आई थी ना ओपन एयर जिम में से, वो थी ऐसा लग रहा था मैं किसी रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। बड़ा खूबसूरत जिम है, लेके चले? जी जी चलो। सूरती मुस्लिम सोसाइटी, अगर आप चेक पोस्ट 2 की तरफ से अंदर आ जाते हैं, आओ ना जरा साईं भाई, आपको हम जिम दिखाते हैं इनका। सिक्योरिटी का भी इंतजाम है, गार्ड भाई सामने आए। ये जिम का जिम है ओपन एयर। वैसे मैंने बहुत कम जिम देखे अभी तक जो है ना, वो पूरे कराची में बहुत कम देखे। साईं तूने देखा है क्या ओपन एयर कोई जिम? आओ इनका इक्विपमेंट दिखाएं। हाँ, मजे की बात यह है कि इनका जितना भी इक्विपमेंट है ना, सारा न्यू मॉडल का है। डंबल तो इतना ज़्यादा यहाँ पे है कि मैं कहता हूँ इतना बंदा नहीं होगा जितना डंबल है, देखें तो सही। दिल भर के आप वेट लगाएं जी यहाँ पे आके। हाँ, बहुत सारी तो ब्रांड न्यू भी इनकी जो है ना वो आ गई है, सारी इक्विपमेंट काफ़ी चेंज हुआ हुआ है इस वक्त। वो सबसे ज़बरदस्त इनकी लेग प्रेस दिखाना यार, कितनी हैवी लेग प्रेस है ये। लेग प्रेस यार, मतलब कि लेग प्रेस में भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, हल्के भी भारी भी, और ये सबसे बेहतरीन वाली इनकी लेग प्रेस है। एम्बियांस है ना, एम्बियांस में ना बड़ा मज़ा भी आता है एक्सरसाइज करने का। मेरी बैठने की एक वजह है यहाँ पे बैठने की, ये देखिए मेरे पीछे जो है लीमू का पेड़ लगा हुआ है, एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको जो ये सारे दरख्त वगैरह भी मिल रहे हैं। लीमू का पेड़ से आप लीमू फ्रेश तोड़ो, अगर आपका बीपी लो हो रहा है लीमू पानी बनाओ और पी लो। क्या बात है, ORS वाला काम करेगा। उधर भाई, ये आप क्या बता रहे थे 2-in-1? मैं बता रहा था कि इसमें हमने फंक्शन ऐड किया हुआ है, रेयर डेड को भी अगर हिट करना है आपको तो आप इस सेट में लगा सकते हैं। वैसे अमूमन मशीन में होता है लेट पुल डाउन लगता है, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम दोनों ऐड करेंगे क्लिप, ऐसे ही बैठ के फिर हम आराम से ये रेयर डेड के लिए भी फिट कर सकते हैं। बहुत, तो एक चीज में दो काम हो जाएंगे हमारे। तो उधर भाई, ये फीस क्या है इस जिम की? फीस 2000 रखी है हमने, ताकि नॉर्मल इंसान भी और हर तरह का बंदा भी अफोर्ड कर सके। वेरी रीजनेबल सर, अगर इतना आपने जो है वो न्यू मॉडल की रखी, लुक दिया हुआ है सही, हमने कोशिश की कि हर कोई इसको वो कर ले, अफोर्ड कर ले। और लुक, खाली लुक नहीं दिया हुआ, इक्विपमेंट भी पूरा है भाई, इक्विपमेंट पूरे से भी ज्यादा ही है। अच्छा उधर भाई, एक बात बताइएगा, टाइमिंग अपनी क्या है इस जिम की? शाम 7 से 12:30 जेंट्स की है। ठीक है सर। और लेडीज की है शाम 5 से 9। ठीक है, सेपरेट एरिया हमारा, आप वो भी देख लेगा, उधर लेडीज वाला भी दिखाते हैं। अच्छा जी, चेंजिंग एरिया है इनका, ठीक है, और ये इनकी ओपन एयर फैसिलिटी है। अच्छा, इस जिम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई म्यूजिक वगैरह नहीं चलता और आप ऐसे आए और अपनी एक्सरसाइज करें। उजैर भाई कहाँ ले गए? अरे सारी डाइट वगैरह बनाए, कॉफी वॉफी बनानी हो क्लाइंट को, पहले कुछ लोग होती हैं, लेडीज होती हैं, पहले आ जाती हैं ऑफिस से ना, ऐसा ही है, डायरेक्ट आती हैं, तो उनके आधा घंटे का टाइम होता है, ऐसा ही कॉफी वॉफी बनाए आराम से। उधर भाई चेंजिंग रूम, वॉशरूम, शॉवर्स वगैरह का कोई सेटअप? ये लेडीज सेक्शन है जी सारा, VIP हमारा, ये चेंजिंग रूम, शॉवर रूम, परफेक्ट। ये पूरी लेडीज के लिए फैसिलिटी है, किक बॉक्सिंग वगैरह भी, और सारा हिसाब किताब इनका इस एरिया में। उधर भाई लेडीज के क्या चार्जेस हैं? लेडीज के हमारे ग्रुप सेशंस हैं, बेसिकली ग्रुप सेशन के 5000 चार्जेस हैं हमारे। ठीक है सर। इसमें डाइट प्लान भी, बेसिक डाइट प्लान दिया जाता है। ठीक है सर। तो जो खवातीन को सेपरेट होकर करना चाहती हैं, ठीक है, ये में कर लें, जो गो में करना चाहती हूं ब्रावो वाले एरिया तो आपने देख लिया। परफेक्ट सर, परफेक्ट। लेडीज का ये सेक्शन है और ये तकरीबन 400 गज तो जगह है सर, ये 350 से थोड़ा सा ऊपर 400 के करीब। और क्या चाहिए? क्रॉसफिट की भी मूवमेंट्स करवाई जाती हैं और बॉडी वेट ट्रेनिंग भी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है, और सर्किट ट्रेनिंग भी करवाते हैं हम लोग, ताकि बेसिकली जब लेडीज कोई भी फैट लॉस करें वो इतनी स्किन लूज ना करें, वो साथ साथ मसल बिल्डिंग भी करते रहें, ताकि उसके बिहाफ पे उसकी हेल्थ से आपकी बॉडी बिल्कुल डेवलप हो जाए। ये जी उज़ैर भाई हैं, एक्सपर्ट है फिटनेस के, हम भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। देखें जी, इस जिम का रिव्यू करना ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ओपन एयर, और सबसे मज़ेदार ओपन एयर में भी इनके पास सारी फैसिलिटीज़ ही हैं, क्रॉसफिट भी है, ये टायर जो है ना ऐसे नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ डेडलिफ्ट के लिए इनका अलग जगह है,
ठीक है, रख रख के मारो, वो दिखाओ साहिब भाई, रख रख के आप इसके ऊपर रेट वेट फेंकते भी रहो ना, कोई मसला नहीं है। एक्सकॉट इतना प्यारा है, देख स्कॉट स्टैंड इनका, यहाँ पे आओ मजे करो, एक्सकॉट मार रखा हुआ है। मतलब ये स्पेस कितनी, तकरीबन 401 गज की तो होगी साहिब, 400-500 गज है ना ओपन एयर में। अच्छी बड़ी खूबसूरत सी लाइटिंग है, बड़ी खूबसूरत सी वाइब है। अच्छा ऐसा तूने जिम देखा इससे पहले? कैसा लगा तुझे जिम? खूबसूरत जिम है, खामोशी से चुपचाप आओ, अपनी फिटनेस करो और जाओ, ऐसा ही है। यार कड़ी पत्ते का भी जो है ना वो यहाँ पे पौधा लगा हुआ है। यार ऐसा जिम देखो ना, कैसा फ्रेश वाइब्स है, ठंडी ठंडी हवा, पौधे भी लगे हुए, एस्ट्रोटर्फ भी ब्रांड न्यू। भागो दौड़ो एक्सरसाइज करो। अच्छा पूरे कराची में ऐसा जिम मैंने अभी तक नहीं देखा, अगर आपकी नज़र में भी कोई है तो आप कमेंट करते हैं सर, वहाँ पे भी हम लोग आ जाएंगे। बहरहाल मेरी नज़र में पूरे कराची में ये वाइब जिम है जो इतना ओपन एयर है और इतनी इसकी लाइवली सी फील है। साहिब भाई चले, चलो चलो यार। ये बॉडी प्रोजेक्ट जिम जो है ना, ये सूरती सोसाइटी में ओपन एयर, बड़ा खूबसूरत सी फैसिलिटी है। उदयर भाई से आप लोग यहाँ पे आके मिलेंगे, उदयर भाई खुद भी बड़े जबरदस्त से ट्रेनर है। अभी हम लोगों ने कहा आना है, मटन कढ़ाई खाना है। आप खिला रहे? नहीं नहीं चांडियो भाई आप खिलाएंगे यार। मैं क्यों खिलाऊंगा? क्यों भाई आप लेके आए? अच्छा जो लेके आए वही खिलाए? बिल्कुल बिल्कुल। चलो आप लोगों ने जिम का रिव्यू देखा, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।